प्रदेश में हाल ही में दो सीटों पर हुए उपचुनावों में भाजपा उम्मीदवार ने बाजी मारी। उपचुनावों में चुनकर आए दोनों विधायकों को सोमवार को विधानसभा में शपथ दिलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने नव निर्वाचित विधायक विशाल नेहरिया और रीना कश्यप को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने उपचुनाव में नव निर्वाचित दोनों विधानसभा सदस्यों रीना कश्यप और विशाल नेहरिया को विधानसभा के पुस्तकालय कक्ष में एक सादे समारोह में विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। गौरतलब है कि पच्छाद और धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्रों में विधायक के दोनों पद पिछले 6 महीने से खाली चल रहे थे। रीना कश्यप पच्छाद और विशाल नेहरिया धर्मशाला से निर्वाचित हुए हैं। शपथ समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा, प्रदेश सरकार के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा, लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप, विधायक सुभाष ठाकुर, किशोरीलाल, विनोद कुमार, होशियार सिंह और पूर्व विधायक महेश्वर सिंह व गोविंद राम शर्मा मौजूद रहे। शपथ समारोह के उपरांत विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दोनों सदस्यों को बधाई दी और उन्हें अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर काम करने की बात कही। जो पुराने विधायक हो चुके हैं उन्हें इस बात का इल्म है, हमारे दोनों नए विधायक, क्योंकि इनको 3 वर्ष का कार्यकाल मिला है, सभी विधायकों को 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है, इन्हें 3 वर्ष में अपने कार्य को पूर्ण करने की चुनौती इनके सामने है। इसलिए पहली बार विधायक बने हैं, विधानसभा की कार्यप्रणाली को भी समझना और विधानसभा क्षेत्र के अंदर सक्रियता से काम करते हुए समाज की सेवा में लगना, आज के दिन यही व्रत लेकर के यहां से आपने शपथ ली है और उस शपथ को आप पूरा करेंगे, ऐसी आशा, ऐसा विश्वास और ऐसी शुभकामनाएं देकर के मैं आपको एक नए जीवन में प्रवेश की शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दोनों नव निर्वाचित विधायकों को उपचुनाव में जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके पास 3 वर्ष का पर्याप्त समय है जिसका सदुपयोग उन्हें अपने क्षेत्र में तीव्र विकास और समग्र विकास के लिए करना चाहिए। सदस्यों की विधिवत शपथ हुई है। जो उपचुनाव धर्मशाला और पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में होना था वो हो लिया, चुनाव के परिणाम निकल गए और धर्मशाला से फिर विशाल नेहरिया नौजवान विधायक जो है विधानसभा में पहुंचे हैं और उसी तरह से सिरमौर जिला के अंतर्गत पछाड़ विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती रीना कश्यप जी चुन करके आई हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ। नई जिम्मेवारी आप दोनों के ऊपर जिस रूप में है और जो कार्यकाल हमारा विधानसभा का शेष है उसमें आपकी भूमिका विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर सक्रिय रूप में निश्चित रूप से मिलेगी और अपने अपने क्षेत्र के लिए विकास के कार्य जो चल रहे हैं विकास के कार्य को गति देने की कोशिश करेंगे। इस दौरान भाजपा के दोनों नवनिर्वाचित विधायकों रीना कश्यप और विशाल नेहरिया ने अपने अपने क्षेत्र की जनता व पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने व विकास कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर दोनों निर्वाचित सदस्यों के सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आपने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और धन्यवाद करना चाहेंगे धर्मशाला की जनता का कि इतना प्यार स्नेह हम लोगों को जनमत के रूप में दिया है, आज विधानसभा में आपने हमें भेजा है, जिस आशाओं के साथ आप लोगों ने भेजा है उन आशाओं पे हम लोग खरा उतरेंगे। स्थानीय मुद्दे हैं, कई वहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को लेकर हम लोग वहाँ पर लड़ाई लड़ने वाले हैं, चाहे वहाँ पर हम लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें, हमारा स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है धर्मशाला का, उसके कार्यों को लेकर देखें, उसको उन कार्यों को पुनः से गति देना है और भी वहाँ के जो स्थानीय इश्यूज हैं कुछ इश्यूज पे हम लोग वहाँ पर संघर्ष करने वाले हैं, लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी पच्छाद की पूरी जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ तक पच्छाद की बात है, पच्छाद के लोगों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी काफ़ी उम्मीदें हैं और तभी यहाँ पर उन्होंने अपना कदम से कदम मुख्यमंत्री जी के साथ मिलाकर
हमें यहाँ पर भेजा है। और जहाँ तक क्षेत्र की बात है, पच्छाद के क्षेत्र में अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका एक महिला निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।